हम हैं नवादा का गोवर्धन मंदिर के परिसर में। तो अभी का जो समय हो रहा है ना, वो लगभग रात का 12 बज रहा है। तो इतना इसलिए यहाँ पर अभी इस टाइम शूट करने के लिए आए हैं क्योंकि इस टाइम क्राउड नहीं मिलेगा, और क्राउड नहीं मिलने के कारण आपको हम अच्छे से दिखा पाएंगे। और ये देखिए मेरा दोस्त है अमन। हेलो गाइस। से हेलो। तो गाइस चलिए आपको हम आज पूरा नवादा का जो गोवर्धन मंदिर है उसका पूरा सैर करवाते हैं, और आपको एक एक चीज बारीकी से दिखाते हैं। यहाँ का जो डेकोरेटेड है और ये लेटेस्ट अभी जो न्यू मंदिर बना है, और ये जो ऐसा कह सकते हैं ना कि साउथ का जो मंदिर होता है यानी कि साउथ इंडिया का, उसी टाइप का ये इधर बिहार में नवादा डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर बनाया गया है। तो चलिए आपको हम पूरा का पूरा विजिट करवाते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। तो गाइज यहाँ से शुरुआत होता है, ये है मंदिर का एंट्रेंस गेट, और ये रहा चारों तरफ का जो बॉर्डरिंग है, और ये रहा मंदिर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है काफी खूबसूरत है, और इस तरह से देख सकते हैं आप कितना गुंबद बनाया गया, काफी डेकोरेटेड है, और इसमें जो है लगभग सभी देवताओं का प्रतिमा बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में राम भगवान, हनुमान जी का और बहुत सारा स्टैचू बनाया गया है। और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कलश रखा गया है ताकि खूबसूरती यहाँ का बढ़ जाए। और ये एक्चुअली क्या है ना कि ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है मंदिर, मतलब यहाँ का जो मंदिर में है अभी लॉक लगा हुआ है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे से सजाया गया है इसको, आप देख सकते हैं। और ये मंदिर का परिसर जो है वो काफ़ी बड़ा है, और अभी भीड़ आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी का जो समय है वो रात का 12 बज रहा है, और मेरे भाई साहब इंस्टा 360 से शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमारे दोस्त विवेक जी, सॉरी अमन, कुछ कहना चाहेंगे? अभी पहले देख तो लेने दीजिए। ठीक है, हाँ देख लीजिए। ये रहा एक मंदिर, ये हो गया गाइज, और एक दूसरा मंदिर ये है, ये भी मंदिर क्लोज है। और ऐसा कुछ तो है नहीं लिखा हुआ है कि हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन से देवता का प्रतिमा लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे अभी पूजा पाठ चल रहा। देखिए हाल ही में दो दिन पहले यहाँ पे कलश यात्रा निकाला गया था, जो कि देख सकते हैं पूरा कलश यहाँ पे रखा हुआ है टोटल। और ये देखिए रात में ही इसका साफ सफाई चल रहा है, ये डेकोरेशन वगैरह, होम लाइट, डीजे, सब कुछ यहाँ पे अभी तक इसमें लगा हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। आप देख सकते हैं रात का समय है लेकिन यहाँ पे साफ सफाई कंटिन्यू है। और देख सकते हैं विराट श्री हरिहर महायज्ञ एवं प्रतिष्ठा दिनांक 27 जनवरी से 4 फरवरी तक ये चलेगा महायज्ञ, गोवर्धन मंदिर नवादा बिहार, सहयोग राशि, जिनको भी जो देना होगा सहयोग। और ये रहा हमारा हवन कुंड, यहीं पे महायज्ञ हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा कुंड बना हुआ है, इसी कुंड में यज्ञ होता है गाइज। और ये देखिए नीचे कलश रखा हुआ है, और एक मेन एंट्रेंस गेट ही आपको इधर ही मिल जाएगा, और एक पेड़ है देख सकते हैं आप इधर, चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से मार्केटिंग किया गया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको क्लियर दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहीं पे महायज्ञ होता है। तो अभी सारा कुछ शांत है, दैट मीन्स भीड़ नहीं है क्योंकि अभी ये सब समाप्त हो गया है। हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रात का समय है गाइज, रात का समय होने के कारण पूरा का पूरा खाली है, अभी पूरा का पूरा खाली है ग्राउंड, आप देख सकते हैं। आपको हम इतना क्लोज से दिखा रहे हैं इसका शूट करके, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं देख सकते हैं आप, इधर टेंट वगैरह लगा हुआ है, इधर और भी लोग बैठे हुए हैं इधर।